दोस्तों कल स्टॉक मार्केट की ओपनिंग से पहले देखिएगा, ये जान लीजिए कि FII की पोजीशन क्या है, क्योंकि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 जून को जो एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उसके बाद 2 जून को और 3 जून को सैटरडे संडे था। इस बार 1 जून को नहीं बात हो रही है, 7 जून को और 8 जून को। तो 7 जून को और 8 जून को एकदम फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं कि कौन गवर्नमेंट बनाने जा रहा है, और जो गवर्नमेंट बनाने जा रहा है वो तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहा है। जो गवर्नमेंट बनाने जा रहा उसी की मार्केट ने एक्सपेक्टेशन की थी, तो जो मोमेंटम होगा बड़ा आएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1 जून तक FII की जो पोजीशन थी वो 87% शॉर्ट थे, जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला था 4 जून को, ना कि 3 जून को। तो डेटा बहुत कुछ बताता है, डेटा अगर शॉर्ट है FII की तरफ से तो उसका इम्पैक्ट है, और डेटा अगर लॉन्ग है या फिर लिटिल बिट बाइंग देखने मिल रही है तो उसकी भी इम्पोर्टेंस है डे टू डे स्ट्रैटेजी पे, स्कैल्पिंग पे। तो यहाँ पे दलाल स्ट्रीट में देखिएगा एक्सपेक्टेशन क्या है, मोर पुल बैक देखने को क्या मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्ट, बट इट विल बी डिसाइडेड बाय द FII। तो अगर आप देखेंगे अब तक जून का महीना मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं स्टॉक में बाइंग दिखाऊंगा स्टॉक में बाइंग कैसी है। अगर आप पिछले 15-20 दिन की बाइंग देखेंगे तो FII ने बहुत स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग की थी, ये आप जानते हो। लेकिन अब तक बात करेंगे मंथ टिल डेट तक, जिसमें 6 जून और 5 जून बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 4 जून के अगले दिन ही स्टॉक मार्केट में अगर FII इतनी बड़ी बाइंग कर देते हैं विद इन 2 डेज में, वो भी 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा की बाइंग अगर आपको तब देखने को मिल रही है जब 4 जून को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, तो ये पॉजिटिव साइन होते हैं स्टॉक मार्केट के लिए कि जो बुल्स हैं, जो FII हैं, वो नीचे की तरफ पर एक बेस बना रहे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, ताकि बड़ा मोमेंटम स्टॉक मार्केट को और बड़ा सरप्राइज स्टॉक मार्केट को दिया जा सके। हालांकि लास्ट फ्राइडे की जो देखिएगा बाइंग है वो माइनस में है, -1289 की देखिएगा सेलिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन ये सेलिंग कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे 9000 करोड़ की जो बाइंग हुई है उससे बहुत कम है, और ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो FII की कैश में पॉजिटिव है। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो NDA गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है, तो ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। लेकिन अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्टर दिखाता हूँ FII के इंडेक्स ऑप्शन में। तो अगर आप किसी भी इंडिकेटर को देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन डेटा देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखते हैं, तो उसके हिसाब से पूरा जो देखिएगा 4 जून के बाद का सिनेरियो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को मिला आपको। आप देख सकते हैं मंथ टिल डेट तक यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग FII ने इंडेक्स ऑप्शंस में की है, आप देख सकते हो, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डेटा है 7 जून का, जो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। चूँकि आपको पता है इवेंट केवल एक है, कितना ज़्यादा मार्केट उसको अच्छा लेता है या कितना ज़्यादा खराब लेता है ये मार्केट डिसाइड कर सकता है। चूँकि 4 जून को ये कहीं नहीं हुआ था कि NDA गवर्नमेंट नहीं बना रही है, बट वो 400 सीटें नहीं ला रही, 350 नहीं ला रही और 272 की मेजॉरिटी तक नहीं ला रही, इस पर मार्केट क्रैश हुआ था। तो मार्केट आपसे जब एक्सपेक्ट करके बैठता है तो वो मोमेंटम भी उसी हिसाब से देखता है। तो मार्केट ने FII की बाइंग एक्सपेक्ट नहीं की है और इवेंट भी बड़ा है, अगर इन दोनों का सपोर्ट मिल जाता है तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा मोमेंटम भी आपको अगले हफ्ते देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट स्टेबिलिटी को पसंद करता है, FII भी स्टेबिलिटी को पसंद करते हैं, तभी वो बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में कर पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन HDFC सिक्योरिटी का रिसर्च क्या कहता है कि लिटिल बिट मार्केट देखेगा लाए करने की कोशिश करेगा 33,500 या 33,338, बट इट डिपेंड्स ऑन द ओपनिंग ऑफ द मंडे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है एग्जिट पोल के बाद और रियल रिजल्ट के बाद।
तो अब क्या FII सरप्राइज करेंगे और मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ये आपको कल देखने को मिलेगा। अभी तक का डेटा बहुत पॉजिटिव है, बी रेडी, बिना स्टॉप लॉस के वर्क मत करिएगा। राम राम।